और ले चलते हैं आपको लाहौर, जहां डॉक्टर ताहिरुल कादरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आग तो कल लग गई ना, आपको मीडिया वालों को कुछ पता चला उसकी तफसीलात का क्या बना? मेरा नहीं ख्याल कि पूरे मुल्क के मीडिया को खबर दी गई हो कि अंदर क्या हुआ, कुछ पता चला? आपकी मालूमात ज़्यादा है, आग लग गई तो उसके बाद क्या बना, तो कुछ तो है ना, बता दें भी जब शुरू करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंसान भर के इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के मुअज़्ज़ज़ नुमाइंदगान, आप सबको इस हंगामी मीडिया कॉन्फ्रेंस में शिरकत पे वेलकम करता हूँ और हमेशा आपकी और आपके तमाम न्यूज़ चैनल्स की और अखबारात के न्यूज़ ग्रुप्स की कौमी अहमियत के हामिल मसाइल पर तआवुन, उसको मैं हमेशा दिलो जान से अप्रिशिएट करता हूँ। और मैं आपको यानी पाकिस्तानी मीडिया को, सच बात है पाकिस्तान की सालमियत की फर्स्ट डिफेंस लाइन तसव्वुर करता हूँ। बाकी मुल्कों के मीडियाज़ भी ऑफ कोर्स रोल प्ले करते हैं, ये मीडिया का एक अपना करेक्टर होता है, मगर फर्स्ट फ्रंट लाइन है डिफेंस की और हक की आवाज़ बुलंद करने की सबसे बड़ी जो खिदमत है वो। डॉक्टर ताहिरुल कादरी लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस आज रखी गई है डॉक्टर ताहिरुल कादरी की जानिब से। कल भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और आज एक बार फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हंगामी निकले होती है, वो इशू नंबर टू है। जो फर्स्ट इशू है पोलिटिकल, वो मैं कल भी चाहता था बयान कर दूँ, उससे पहले भी एक आध बार ख्याल था, मगर इतफाक़ से प्रेस कॉन्फ्रेंस सब्जेक्ट टारगेटेड थे और उसमें स्पेसिफिक थे, इसलिए मैं उसको पेंडिंग करता रहा कि आगे बात कर लूँगा। कल फिर सिंगल पॉइंट आ गया इम्पॉर्टेंट, तो उसको आज मैं बयान कर देता हूँ और फिर मैं उस सेकंड पॉइंट की तरफ आऊँगा जिसकी वजह से ये हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के आज को दोबारा आपको कल के बाद दोबारा तकलीफ देना पड़े। फर्स्ट पॉलिटिकल स्टैंड ये है, बहुत से लोग हमारी फ्यूचर स्ट्रेटजी के हवाले से सवाल कर रहे थे, अखबारात में काफ़ी तबसरे तजज़िये आ रहे हैं, टीवी चैनल्स के टॉक शो में हो रही है, हमारे कारकुनान पूछ रहे हैं, दीगर सियासी जमातें पूछ रही हैं रायमंड मार्च के हवाले से। तो मैंने चाहा कि इस कॉन्सेप्ट को मैं क्लियर कर दूं, अपना स्टैंड वाज़े तौर पर बयान कर दूं, इसके बाद फिर वो एमरजेंसी का जो पॉइंट नंबर टू है उस पर आ जाएंगे। रावलपिंडी मार्च में 3 सितंबर को मैंने मुल्क भर के या उस मार्च में शिरकत करने वाले कारकुनान से पूछा, और आपको मालूम है कि 100% तमाम कारकुनान ने, तमाम शुरका ने, अवाम ने और पूरी कौम ने के जो नुमाइंदगान मौजूद थे, एक ठाठे मारता हुआ समंदर था, एंडलेस एंड अनकाउंटेबल लोग, उन सारों ने 100% ये कहा कि अगला जो हमारा फेज़ टू है, फिर उसके बाद फेज़ 3 होगा, तो नेक्स्ट जो राउंड है वो
राय बिंड मार्च होना चाहिए। मैंने दो ऑप्शंस रखी थी उनके सामने, राय बिंड या इस्लामाबाद। 100% उनका रिस्पांस आया राय बिंड मार्च। मैं उन कारकुनान के जज्बात का एहतराम करता हूँ और मैं उनके जज्बात की वजह भी समझता हूँ। वो नहीं भूले कि हमारे घर पे हमला किया गया था, हमारे सेक्रेटेरिएट पर हमला किया गया था और हमारे दरवाज़े पर और सेक्रेटेरिएट के अहाते में चार दीवारी के अंदर दाखिल होकर और घर के दरवाज़े के सामने 10-12 घंटे दहशतगर्दी, रियासती दहशतगर्दी हुई। कारकुनान को, निहत्थे कारकुनान को, मासूम और बेगुनाह कारकुनान को शहीद किया गया था। और फिर पूरे पंजाब में हर शहर के अंदर पुलिस ने दहशतगर्दी का ऑपरेशन किया, रियासती दहशतगर्दी का, और हमारे कारकुनान और मकामी लीडर्स के घरों में छलांग कर गए, कूद कर, और उनके बुज़ुर्गों को सफ़ेद बालों और दाढ़ियों से पकड़ के घसीटा, उनकी माओं के दुपट्टे छीने, बेटियों के छीने, और उनके घरों के अंदर उन्हें सदोकोब किया और दहशतगर्दी की। तो चादर और चार दीवारी को जितना बेदर्दी से और बेहयाई से पामाल किया गया, इसकी मिसाल पाकिस्तान में नहीं मिलती। शरीफ बिरादरान की ये पुरानी रिवायत है लोगों के घरों पर हमला करना। 17 जून 2014 तो सारा आपके सामने है, मगर 90s में आप में से बाज़ों को याद होगा, बाज़ों को नहीं, 90 की दिहाई में नवाज़ शरीफ साहब ख़ुद क़यादत करके लाहौर से अपना लश्कर चोटी ज़ेरी डेरा गाज़ी खान सरदार फारूक अहमद ख़ान लगारी के घर पर हमला करने गए थे, चोटी ज़ेरी तक गए थे। ये मुल्क को मालूम है ये बात, और मीडिया को लाहौर से साथ लेकर गए थे। डीजी खान गए थे लाहौर से, उनके घर, उनके गांव में हमला आवर होने। और यही वो हैं जब 90 की दिहाई में जस्टिस सरदार अली शाह चीफ जस्टिस थे तो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया था लोगों को भेजकर। यानी इन्होंने ऐसी मनफी और मज़मूम रिवायात कायम की हैं पाकिस्तान में। हमारे कारकुनान ने इनकी रिवायत को देखते हुए और 17 जून के घनौने किरदार को देखते हुए फैसला सुनाया कि राजमंड मार्च करेंगे। मैंने वो मैंडेट ले लिया, लेकिन मैं आज मरकज़ी क़यादत की पूरी मशावरत के बाद, ये हमारा पहले भी सोच यही थी हमेशा से, आज भी यूनानी मसली ये ऐलान कर रहा हूँ कि हम अपने किसी बदतरीन सियासी दुश्मन के भी न घर पर हमला करेंगे, न उसकी घर की सिमत जाने वाली सड़क की तरफ मार्च करेंगे। ये हमारा लाइफ लॉन्ग डिसीजन है हमेशा से। तो हम पाकिस्तान अवामी तहरीक इस हद तक सब्र और तहम्मुल का मुजारा करेगी कि ये उनका किरदार है और वो इतना घटिया साबित हुए किरदार में कि 17 जून को दुनिया ने देखा कि हमारे घर के दरवाजे पर ख्वातीन को शहीद किया और पूरे पंजाब में हर घर में दाखिल हुए, चादर और चार दीवारी को पामाल किया और शहादतें हमारे घर और सहन के में, हमारे सेक्रेटेरिएट के सहन के अंदर की। मगर इसके बावजूद हम अपने अखलाक और अपने किरदार में इस तरह घटिया सतह पे नहीं जाएंगे जहाँ तक वो गए। हर चंद के रायमंड मार्च में हमारा कोई मकसद अगर करते हैं तो कोई जाति उम्रे में दाखिल होना नहीं होगा, लेकिन चूंकि सड़क वो है, हमारे कारकुन नहायत ज़ख्मी हैं, दुखी हैं, शदीद जज्बात में हैं, गम और दुख में हैं, मुमकिन है वहाँ पहुँच कर इश्तियाल में आ जाएँ, कुछ शर पसंद अनासर उससे फ़ायदा उठाएं और एक बदअमनी की फ़िज़ा पैदा हो जाए। लिहाजा हम ऐसा कोई काम नहीं करना चाहते, पाकिस्तान अवामी तहरीक ऐसा कोई काम नहीं करेगी जिससे गलत तोहमत भी दी जा सके कि वहाँ बदअमनी की, किसी के घर पर हमला किया, उस सड़क पे चल पड़े, चादर वाली के ख़िलाफ़ हो गए। बेशक नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ और उनकी गवर्नमेंट ने यह सब कुछ किया, मगर हम उनकी निचली घटिया गिरी हुई सतह तक नहीं जा सकते। हम अपनी सतह पे रहेंगे, अपनी जंग वकार के सार के साथ लड़ेंगे, अखलाक के साथ लड़ेंगे, अपनी कदरों के साथ लड़ेंगे। लिहाजा रायमंड मार्च हम नहीं करने लगे, न अब न आगे बाद अज़ां।
हमारे पास दो राउंड मौजूद हैं, मैंडेट मेरे पास है, ये फैसला बतौर कायद के मैंने किया है। कारकुनान के जज्बात मेरे पास आ गए, बैसियत कायद ये मेरा मैंडेट, मेरा प्रीरोगेटिव है कि मैं बता दूं तमाम कारकुनान को, पॉलिटिकल पार्टीज़ को और तमाम लोगों को कि हमारा ये अटल फैसला है कि हम राय में जाति उम्रा, ये चीज़ें सिर्फ उनको हया दिलाने और उनको एहसास दिलाने के लिए होती हैं कि आप ये कर सकते हैं तो हमारे कारकुन भी ये करना चाहते हैं। मगर एक स्टेज आती है जहाँ लीडर ने फैसला करना होता है बतौर कायद, मैंने पहली चीज़ ऐलान कर दी कि हम ये काम नहीं करने लगे। हमारा ऑप्शन है जब टाइम आएगा सेकंड राउंड शुरू करेंगे, हमें उसमें ऐसी जल्दी नहीं है कि कोई तारीख दिनों या हफ्तों की रखें, वो कनेक्टेड है हमारा किसास और इंसाफ के मुकदमे के साथ मैटर। हम सिचुएशन वाच कर रहे हैं, हमारा मुकदमा इस्तिगासा बड़े अहम हिस्से में दाखिल हो रहा है अगले दिनों में, बड़े अहम मोड़ में और अहम पोर्श हिस्से में दाखिल हो रहा है, उसमें कुछ अहम फैसले होंगे। हम वाच कर रहे हैं, हम इंसाफ और किसास के साथ कनेक्ट करेंगे अपनी तहरीक को, जिस वक्त ज़रूरत पड़ी हर किस्म का वो मार्च करेंगे, इंतहाई ताकतवर मार्च करेंगे जिसका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता, जो चाहेंगे करेंगे मगर जमहूरी हदूद के अंदर, जिन्हें पूरी दुनिया तस्लीम करे कि ये जमहूरियत के तहत रवा है, जायज़ है, जमहूरी हक है, इंसानी हक है, शराफत की अकदार के अंदर, जमहूरियत की अकदार के अंदर, आज़ादी राय के अकदार के अंदर, जमहूरी एहतजाज के दायरे के अंदर करे। इस पहले पॉलिटिकल पॉइंट को क्लियर कर लेने के बाद अब नहायत ही अहम बात कहने लगा हूँ जिसके लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हंगामी तौर पर बुलानी, और वो ये है कि वफाक की हुकूमत में नवाज शरीफ साहब ने सरबरा हैं और पंजाब की हुकूमत ने दरअसल एक और मुख्तलिफ नौइयत का सानिया मॉडल टाउन बपा करने का फैसला कर लिया है। मैं कौम को आगाह कर रहा हूँ, पिछले दो दिनों से मुझे खबरें मौसूल हो रही थी, कल भी मेरे पास रिपोर्ट थी मगर मैं काउंटर चेक कर रहा था इसलिए कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेंशन नहीं किया, फिर रात को मौसूल हुई हैं, सुबह तक मौसूल हुई हैं, मुख्तलिफ ज़राए से हमने काउंटर चेक किया है और हर तरफ से तस्दीक करने के बाद मैं आपको और पूरी कौम को आपके ज़रिए ये आगाह कर रहा हूँ पूरी कौम को कि पंजाब हुकूमत ने नवाज शरीफ साहब के हुक्म पर और उनकी मुशावरत के साथ एक नई तर्ज का सानिया मॉडल टाउन बपा करने का फैसला किया है। मैं कौम को भी आगाह कर रहा हूँ और मुल्क की सलामती के इदारों को भी आगाह कर रहा हूँ। प्रोग्राम ये बनाया गया है कि सर्च ऑपरेशन के नाम पर हमारे सेक्रेटेरिएट में या हमारे और मेहमान खाने हैं, साथ हमारा मिनहाज टीवी का ऑफिस है करीबी, हमारे फॉरेन अफेयर्स के बैरूनी मेहमानों की रिहायशगाह की जगह है ऑफिशियल, साथ ही इसी प्रेमिसेस में हमारी रिहायशगाह उससे आगे है, उधर यूनिवर्सिटी है न्यू कैंपस टाउनशिप में, हमारी बैतुल ज़हरा है, यूनिवर्सिटी के मुख्तलिफ ऑफिसेज हैं, क्लास रूम्स हैं, गर्ल्स कॉलेजेस हैं, शरिया कॉलेजेस हैं, हमारे यतीमों के लिए बहुत बड़ा आगोश है, मॉडल सिस्टम्स हैं, ये सारी, और इसी तरह हमारे कारकुनान हैं, बड़े बड़े इम्पॉर्टेंट कारकुनान, लोकल पॉलिटिकल लीडर्स, इन तमाम प्रेमिसेस को निगाह में रखा गया है और कारकुनान के जो नुमाया घर हैं उनको भी निगाह में रखा गया है। ये सर्च ऑपरेशन के नाम पे इन्होंने प्लान किया है कि वो पुलिस, पंजाब पुलिस जो कातिल पुलिस है, जो 302 और दहशतगर्दी के मुकदमे में हमारी मुलज़िम है, जिनके ऊपर दहशतगर्दी का और कत्ल का हमारी तरफ से मुकदमा चल रहा है, उस पुलिस को एंगेज करके वो सर्च ऑपरेशन के नाम पर हमला करेंगे, कोई घर तोड़ेंगे, दफ्तर तोड़ेंगे, एंटर होंगे और भरकर गाड़ी नाजायज़ असलाह की लेकर आएंगे, साथ नाजायज़ असलाह की जो पुलिस की कस्टडी में हमेशा होता है, थानों में हर जगह अंबार पड़ा होता है, जो पकड़ के इन्होंने नाजायज़ असलाह डालना होता है लोगों पर, ये इनकी मुस्तकिल ट्रेडिशन है, और किराए के कातिल भी लाएंगे।
तो वो घेरा करके दाखिल होकर नाजायज़ असला अंदर रखेंगे, किराए के कातिल अंदर डालेंगे और बाद हज़ार उनकी फुटेज वगैरह बना कर दिखाएँगे कि ये इनके पास अंबार हैं, ज़खीरे हैं, नाजायज़ असला के कातिल हैं, टीलर्स हैं, टेररिस्ट हैं। और इस बुनियाद पर फैसला इन्होंने ये किया है, इस बुनियाद पर वो हमारी तहरीक को, तहरीक मिनहाजुल कुरान को भी और पाकिस्तान अवामी तहरीक को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर करने की तैयारी कर रहे हैं। इस तरह वो सानिया मॉडल टाउन के किसास से अपना छुटकारा चाह रहे हैं, इस तरह उस किसास और इंसाफ का रास्ता बंद कर रहे हैं और सियासी दबाव बंद करने का मनसूबा बना रहे हैं कि इसको दहशतगर्द तंजीम डिक्लेयर करके इसे कलअदम कर दिया जाए ताकि ये अपनी बका और फना के किस्से में फंस जाए और उसके बाद हमारे ऊपर से प्रेशर रिलीज़ हो और हम सानिया मॉडल टाउन के कत्ल की सज़ा से भी बचें और उसके इंसाफ और किसास का भी रास्ता बंद हो जाए। ये पूरा प्लान है। मैं पूरी कौम को आज मीडिया के ज़रिए मैंने आगाह कर दिया है और इस मौका पर अब मैं तीन इदारों को एड्रेस कर रहा हूँ। मैं रेंजर्स को एड्रेस कर रहा हूँ, पाक फ़ौज के रेंजर्स को। नंबर टू ISI को एड्रेस कर रहा हूँ। नंबर थ्री मिलिट्री इंटेलिजेंस को एड्रेस कर रहा हूँ। इन सब के जो सरबराहान हैं, पाक रेंजर्स, MI और ISI, इनको एड्रेस कर रहा हूँ कि मैंने ये घनौनी साजिश बेनकाब कर दी है और दो दिन से मैं इसको काउंटर चेक करता रहा हूँ और रात को सुबह तक कई जराए से जब काउंटर चेक हो गया है तो मैं, और अभी आपके पास आने से कबल भी चौथे जरिए से काउंटर चेक करके निकला हूँ, अभी हर तरफ से कंफर्म हुआ है। मैंने अनाउंस कर दिया है कि यह घनौना मनसूबा है और अब बताना चाहता हूँ इन इदारों को, हम वो शख्स हैं कि हमारे दो फैसले अटल हैं। मैंने पूरी जिंदगी अपने कारकुनान को असला नहीं दिया सिवाय अपने लाइसेंसी असले के सिक्योरिटी गार्ड्स के, जिन्होंने 17 जून की रात 16 और 17 के दिन को भी जवाबी फायरिंग नहीं की। उनसे असला लेके घर में जो लाइसेंस का असला है वो बंद कर दिया था और गार्ड्स को गैर मुसल्ला कर दिया था, डिसआर्म कर दिया था। वो रोते थे, पाँव पे गिरते थे, चीखते थे मेरे बेटों के कि हमने 25 साल से इस घर का, इस मिशन का, इस तहरीक का नमक खाया है आज, और एक गोली नहीं चली हमारी बंदूक से, 25 साल में एक गोली नहीं चली। आज पहला वक्त आया है हमें अपनी जानों का नजराना पेश करने दें, हमें जवाबी फायरिंग करने दें। मैंने कैनेडा से कह दिया था डॉक्टर हसन को, डॉक्टर हुसैन को, अगर सारी जिस्म भी बुन जाएं और लाशें गिर जाएं, घर का हर फर्द भी शहीद हो जाए, जवाबी गोली नहीं चलेगी। हमारे वो लोग हैं। मेरा फैसला है कि मैंने कभी कारकुनान के हाथ में असला नहीं दिया, न दूंगा। अगर असला दूं तो रफ्ता रफ्ता वो दहशतगर्दी की राह पे चल पड़ता है, वो असला उससे दहशतगर्दी जन्म लेती है। मेरी पूरी जिंदगी दहशतगर्दी के खिलाफ नजरियाती जंग करते गुजरी है। मैं अवायल 80s में इंतहा पसंदी के खिलाफ, जब पाकिस्तान PTV के सिवा कोई चैनल नहीं था, फहमुल कुरान में उस वक्त भी नजरियाती तौर पर इंतहा पसंदी के खिलाफ लेक्चर देता था। 35, 38, 40 बरस यंग लाइफ से आज तक मैंने नजरियाती सतह पर, फिक्री सतह पर दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ी है, मशरक से मगरब और पूरी वेस्टर्न वर्ल्ड में और मुस्लिम उम्मा में। लिहाजा मैं ये कभी गवारा नहीं कर सकता कि मैं अपने कारकुनों को असला दे दूं और वो असला अपने जाती दिफा से चलते चलते बॉर्डर क्रॉस करे और दहशतगर्दी में एंटर हो जाए। एक फैसला ये है कि हम कभी असला नहीं देंगे किसी को। हम दहशतगर्दी को रद्द करते हैं, मुजम्मत करते हैं और नजरियाती तौर पे उसको कुफर से भी बदतर समझते हैं। मैं ये रास्ता नहीं खोलना चाहता। इसी वजह से मैंने रायमंड मार्च की नफी की है कि उससे खदशा है बदअमनी का। मैं अमन के क़याम की जंग लड़ रहा हूँ पूरी दुनिया में, बदअमनी के हक में नहीं हूँ। अब मैं बताना चाहता हूँ पाकिस्तान के पाक रेंजर्स को और पाक फौज के जिम्मेदारों को, जो रेंजर्स के हेड्स हैं, और मिलिट्री इंटेलिजेंस को और ISI को, मैं आपको दावत देता हूं, हमें पंजाब पुलिस पर, हमारा किरदार इतना साफ और सुथरा है, इतना शफाफ है,
अमन के बाप में इतना लाजवाब और बेनजीर और बेमिसाल किरदार है कि कोई लीडर कोई जमात इस कदर अमन की अमान की नजरियाती तौर पर दहशतगर्दी इंतहा पसंदी के खिलाफ जंग लड़ने की मिसाल नहीं पेश कर सकती जितना हमारी जंग और हमारी जिहाद है। मैं उनको दावत देता हूं, हमारा एतमाद है उन इदारों पर, वो मत खामोश बैठे रहें। मैं रेंजर्स को इनवाइट कर रहा हूं, ISI को कर रहा हूं, MI को कर रहा हूं, मैं चैलेंज करके इनवाइट कर रहा हूं, हमारा इन पर एतमाद है। कबल इसके कि पंजाब पुलिस कोई ऐसी शरारत करे और प्लांटेड मंसूबा बनाए, प्लांटेड अगर वो हो गया तो नया सानिया मॉडल टाउन होगा और ये इदारे जिम्मेदार करार पाएंगे, मैं उनको जिम्मेदार ठहराऊंगा। मैं उनको आज दावत दे रहा हूं, वो तीनों इदारे आए और साथ पंजाब पुलिस के IG, उनके DIG और 2-4 सीनियर SSPs को बतौर गवाह साथ ले लें अपने वफद में, अपने साथ IG, फिर दोहरा रहा हूं DIG और SSP सीनियर्स को साथ ले लें। रेंजर्स का आला सती वफद हो, ISI का हो, MI का हो, पंजाब पुलिस की टॉप लीडरशिप हो, IG और DIG और SSP इकट्ठे और पांचवा फरीक मीडिया हो, पांचवा फरीक पाकिस्तान का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, पांच फरीकों पर मुश्तमिल वफद बनाएं, जिस वक्त चाहें, दिन हो रात हो कोई घड़ी हो, हमें बताने की जरूरत नहीं है, नो नीड ऑफ एनी एडवांस इंफॉर्मेशन, हरगिज़ ना बताएं, बगैर इतरा करे दिन को रात को जब चाहें आके जिस जगह को चाहें घेरे में ले लें, जिस वक्त चाहें घेरे में ले लें और चारों अतराफ घेरे में लेकर ना किसी अफसर और कारकुन को बाहर निकलने दें ना बाहर से अंदर आने दें, मीडिया साथ हो, हमारे लीडर्स को मकामी क़यादत को इतला करें और अंदर एंटर हो जाएं। मगर मेरी शर्त है वो वफद हेडेड बाई पाक रेंजर्स, हेडेड बाई MI, हेडेड बाई लेड बाई ISI, लेड बाई MI, लेड बाई रेंजर्स, अलोंग विद देम IG, DIG और SSP पंजाब पुलिस को साथ रखें, जरूर रखें, और मीडिया हो, शर्त है कि मीडिया साथ हो, मीडिया के बगैर किसी को कदम अंदर रखने की इजाजत नहीं देंगे। मीडिया सबसे बड़ा गवाह है, मीडिया को लेके अंदर एंटर हो जाएं, कोई एडवांस इतला की जरूरत नहीं, मैं रिपीटेडली कह रहा हूं, स्ट्रेट अवे अंदर आ जाएं और आके चेक करें और फिर निकलने नहीं देंगे जब तक ये सर्टिफिकेट पूरी कौम के सामने हमें लेने की जरूरत नहीं थी। सारी कायनात इंसानी में हमारी जंग अमन के लिए दहशतगर्दी के खिलाफ, इससे बड़ा सेक्रेटेरिएट कोई नहीं है। दहशतगर्दी की मुखालफत की वजह से UNO ने ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर एंटी काउंटर टेररिज्म में आलम इस्लाम की वाहिद तंजीम तहरीक मिनाजुल कुरान को स्पेशल कंसल्टेंट का दर्जा दे रखा है। UNO में मिनाजुल कुरान इंटरनेशनल स्पेशल कंसल्टेंट है और हमें ये इजाजत है कि हम पॉलिसी वाइज अपनी सिफारिशात दे सकें या शिरकत कर सकें। आलम इस्लाम की कोई तहरीक जिसकी बुनियाद दीन पर हो, आइडियोलॉजी पर हो, सिवाय हमारे नहीं है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पर मैं काउंटर टेररिज्म का वर्ल्ड वाइड स्पेशलिस्ट होने की वजह से उनके फाउंडिंग मेंबर्स में शामिल कर लिए गए हैं। हम शिरकत करते हैं ऑफ एंड ऑन, हमें किसी से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, मगर जो हालात हैं यहां फरिश्ता शैतान बन रहा है और शैतान फरिश्ता कहला रहा है। इन हालात की वजह से कह रहा हूं कि ये मुल्क की सलामती के इदारे पंजाब पुलिस के आला 4-5 अफसरान को, मगर मेरी शर्त है मीडिया साथ होगा, लेके बाहर खड़े हो जाएं, जब पांचों फरीक जमा हो जाएं, किसी को मत बाहर आने जाने दें, कंट्रोल कर लें, जिस जगह चाहें सर्च ऑपरेशन करें, जिस दिन चाहें करें, दिन को करें रात को करें बगैर इतला के करें, हमें खुशी है, ताकि दुनिया देखे इतनी शफाफियत इस मुल्क में है। और हम तो चाहते हैं कि बाकी मराकज और इदारे भी इस रास्ते को फॉलो करें। उनको कह रहा हूं कि वो आकर इस पोजीशन को क्लियर करें। अगर रेंजर्स को पंजाब ने अभी तक इजाजत नहीं भी दी, रेंजर्स को इजाजत नहीं भी दी, वो देती रहेगी पंजाब हुकूमत, मैं मिनहाजुल कुरान और अवामी तहरीक के लिए खुद इजाजत दे रहा हूं, बुला रहा हूं, हमारा सर्च ऑपरेशन पहले कर लें,
आपको शहबाज शरीफ साहब की इजाजत की जरूरत नहीं है, हमारा करें और चले जाएं। और एक मरकज की नहीं कह रहा, जिस जगह चाहे कर लें और बगैर इतला के कर लें। मेरी शर्त है कि इदारे वो हों और साथ मीडिया मौजूद हो ताकि एकदम मामला क्लियर हो जाए। अगर रेंजर्स ने, MI ने, ISI ने, पंजाब पुलिस के आला 4-5 अफसरान और मीडिया को साथ लेकर न किया और यह कदम पंजाब पुलिस ने उठा लिया, क्योंकि वो प्लांटेड प्रोजेक्ट उनके होते हैं, वो नाजायज असला ला के डालेंगे, कातिल ला के डालेंगे, उन पर एतमाद नहीं होगा, वो हमारे कातिल हैं, उन पर हमारा कत्ल और दहशतगर्दी का मुकदमा है, वो पंजाब पुलिस की साजिश होगी। अगर उन इदारों ने ऐसा न किया और पाक पंजाब पुलिस ने कर लिया तो मैं उन इदारों को इस जुल्म का और दहशतगर्दी की जो हरकत होगी इस पर उनकी खामोशी की वजह से उनको जिम्मेदार ठहराऊंगा, उनको जिम्मेदार ठहराऊंगा। किसी भी ऑपरेशन के नाम पे कुछ करना चाहा तो अपना जिम्मेदार खुद होगा। फिर अमन और बदअमनी के रिस्पॉन्सिबल वो खुद होंगे। हमने चूड़ियां नहीं पहन रखी, हम बदमाशों से टकरना जानते हैं, गुंडों को डील करना जानते हैं, दहशतगर्दों को डील करना जानते हैं। हम कारकुनों को कोई असला न दिया है न देंगे, मगर जो हमारी चार दीवारी के अंदर आ गया अब शायद तर्ज अमल हमारा 17 जून 2014 से मुख्तलिफ हो। ऐसा ना होने दिया जाए यह बड़ा अफसोसनाक बाब होगा पाकिस्तान की तारीख का। हम अमन पर कायम हैं, हम पर कायम रहना चाहते हैं, हमें अम पर कायम रहने दिया जाए। और जिन इदारों पर एतमाद है उनको मैंने दावत दे दी है कि आके कर लें, इतमाम हुज्जत करना चाहें कर लें, अगर उनको तसल्ली नहीं किसी को या शक है मामला साफ कर लें। इस सिलसिले में आखिरी बात, मैं मीडिया से रिक्वेस्ट करता हूँ, मीडिया मालिकान को, मीडिया चैनल्स को, कि वो अलर्ट रहें। ख़ास तौर पर ईद उल अज़हा के दिन हैं, उनके प्लान में ये प्रायोरिटी पर है। ईद उल अज़हा के दिनों में चूँकि रिलैक्स होते हैं लोग, ये दिन हैं, इसके बाद के भी हो सकते हैं, मुमकिन है जब तक वो प्रेशर फील करते हैं चंद दिन उस वक्त तक की सिचुएशन हो, लेकिन मीडिया अलर्ट रहे। हमारी सबसे बड़ी मुल्क की सालमियत की डिफेंस लाइन भी मीडिया है और हमारे जैसे हक की आवाज़ का डिफेंस लाइन भी मीडिया है। 17 जून में भी इनका प्लान ये था, 17 जून का प्लान भी आखिरी हिस्सा उनके प्लान का ये था कि घर में दाखिल होकर और अंदर सेक्रेटेरिएट में नाजायज़ असल लाए हुए थे वो डालकर, और खुदा जाने पैसे भी लाए हुए थे, मनी लॉन्ड्रिंग और नाजायज़ असला अंदर फेंक कर फिर उसके बाद वहाँ उन्होंने एंड करनी थी, लेकिन लोगों ने 12 घंटे निहत्थे दिफा करके फिर अल्टीमेटली जाने देकर जब आखिर में ख़वातीन की शहादत हो गई दरवाजे पर और मीडिया पूरी कौम को दिखा रहा था, ये क्रेडिट मीडिया को और ख़वातीन को और शहीदों को जाता है कि जिसके बाद आखिरी हिस्सा मुकम्मल करने की सकत न रही उनके पास, वो आखिरी नातमाम नामुकम्मल चैप्टर छोड़ के उस किताब का चले गए और वो उन्हें आज तक परेशानी है, उसको अब पूरा करना चाहते हैं। तो मीडिया की रिक्वेस्ट है मीडिया से कि वो अलर्ट रहें और जो भी मुमकिन इकदाम बेहतर हो सकते हैं वो पॉलिसीज़ के तौर पर ख़ुद उठा लें। शुक्रिया। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।